अच्छा बाकी उस्मान का और खान साहब आप लोगों की दूसरी पोजीशन है, भाई बोलता है 4 पॉइंट है और आप लोगों के 3-3 पॉइंट है, तो फिर जो लगा था मैं उनके लिए क्लैपिंग बोले। अच्छी बात ये है कि टीम ए जो है अंडर के लिए जा रही है, आप लोग अपने ना बड़े आप लोगों ने कैप्टनसी करिए ना, तो आप लोगों जो आज का एक्सपीरियंस रहा उसको बड़ा कंसाइज और प्रिसाइज करके लोगों को बताइए, क्योंकि अब ये लोग जा रहे हैं, आप लोगों ने चारों ने लीड किया आज के इवेंट को ना, चारों ने लीड किया, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप लोगों ने क्या चीज़ सीखी है, क्या आगे आप लोग आगे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, मज़ा आया ये कुछ फ्लॉज से इवेंट के आ रहे थे जो भी था, बड़ा कंसाइज और प्रिसाइज करके लोग बताइए। लेंथी करने से क्या होगा, आपने लेंथी कर दिया, खान साहब ने कंसाइज और प्रिसाइज बना दिया, तो लोग खान साहब की बात बुझा देंगे, तो आप लोग चारों से रिक्वेस्ट है बड़ा कंसाइज प्रिसाइज ब्रीफ डे के अंदर जो ना आज का एक्सपीरियंस उनसे शेयर करें। सबसे पहले टीम पे असलान भाई, एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था, अच्छी बात ये थी कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया और मैं इवेंट में पार्ट बना, मेरी टीम में जो मैंने सिलेक्शन की रैंडम की थी और मेरे पास एक्सपीरियंस लोग थे जो पहले से इस बहुत से इवेंट्स अटेंड कर चुके थे। सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि सब ने मेरे डिसीजन को एक्सेप्ट किया, एज अ लीडर एक्सेप्ट किया, ये बहुत अच्छी बात थी। और हार जीत गेम का हिस्सा होता है, हमने एक टीम की तरह खेला और हमने कोशिश की कि हम जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली एक टीम जीतती है हारती है, बट ओवरऑल टीम एफर्ट्स बहुत अच्छी थी हमारी और मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखें इस इवेंट के अंदर सबसे पहले तो हमें मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो पिछले 2-3 साल से एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। देखिए जितने भी पुराने लोग एक्सएम में काम कर रहे हैं तो ये जो आजकल माहौल बना हुआ है ये माहौल पहले 12 साल नहीं था, आज माशाल्लाह एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है। अब जहाँ तक आज की एक्टिविटीज़ की बात थी तो देखें एक चीज़ ये जहन में रखें कि हमेशा हर किसी की कोशिश होती है, कुछ इस बात में आके गलत इवेंट कर जाते हैं, कुछ जोश में, तो हार जीत तो लगी होती है, और अगर 4 लोग हैं तो 4 में से ज़रा एक ही टीम जीतेगी। लेकिन मेरा थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक मैसेज है, सब टाइम है तो प्रॉब्लम तो नहीं है। देखें एक चीज़ ये जहन में रख लें, यहाँ बेसिक जो हमारा मकसद है कि यहाँ पे ये जितने भी इवेंट हो रहे हैं ये इवेंट हमारी हौसला अफजाई के लिए हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक मकसद है कि वो क्या होना चाहिए, हमारा बेसिक मकसद होना चाहिए कि आया आज जितना अच्छा इवेंट हमने किया, आज लोगों ने सीखा, आज लोगों ने समझा, क्या इस पे जाके अगले 1 महीने आप लोग प्रैक्टिकल काम करेंगे या नहीं। अगर आप इसके ऊपर आ गए, अब दूसरी एक चीज़ मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि टीमों के साथ जो एक्टिविटीज़ की या कनेक्टिव की बात होती है, मैं कहता हूँ कि मैं जितने टूर कर चुका हूँ इंटरनेशनली या लोकल, वो सिर्फ मेरी ज़ात के लिए हैं। मुझे ये खुशी होती है कि जब मैं अपनी टीम से लोगों को विन करवाता हूँ, क्या करवाता हूँ। और दूसरे नंबर पे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हमें सोचना सिर्फ ये चाहिए कि अगर हम 2 लाख कमा रहे हैं तो मेरे उन 2 लाख का कोई फ़ायदा नहीं इन हाल वालों के लिए, मज़ा तब आए कि हाल का हर आदमी 2 लाख कमाना शुरू हो जाए, फिर तो मैं एक अच्छा लीडर हूँ। देखिए फिर तो मैं एक अच्छा लीडर हूँ। मैं अभी भी कुछ लोगों के साथ आज बात कर रहा था, मुझे ये भी नहीं पता किस टीम में है किस टीम में नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ सबसे कहता हूँ कि खुदा रहा आप अपनी टीमों को आगे ले जाने के लिए कोशिश करें। सबसे बड़ी चीज़ देखें, आज एक बात सर ने भी कही कि लोग अपनी CSS दिखाना शुरू कर देते हैं, लोग अपने TSIV दिखाना शुरू कर देते हैं, मैं कहता हूँ वो लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ तो ज़रूर नज़र आती है, लेकिन याद रखिएगा जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके घर के मसाइल हैं, जिसके घर में इनकम नहीं आ रही या जिसके घर में सेफ नहीं है,
उनके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमें प्लान बनाना है। देखिए एक चीज, हमारे पास बहुत सी ऐसी ब्यूटिशियन है, हमारे पास बहुत सी ऐसी टीचर्स हैं, बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं। देखिए सक्सेस, अगर डॉक्टरी में भी आप जाएं तो लाखों डॉक्टर हैं, उनमें से सक्सेस हजारों ही हैं। इसी तरीके से अगर टीचर्स में भी जाएं, हर फील्ड में जाएं। अब मेन मसला क्या होता है कि हम अगर डीएक्सएल में चाहेंगे तो हर आदमी को सक्सेस बना सकते हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे मेहनत जरूरी है। आज देखें, अगर मेरी जितनी बहनें डिप्यूटेशन बैठी हैं, आज सर एक बात कर रहे थे कि इनके पास कौन सी ऐसी की नर्सिंग है कि लेडीज़ की बड़ी टीम, लेडीज़ की टीम के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है उनको इज्जत है। आज मैक्सिमम मैं हर प्रोग्राम के हवाले से लोगों को कहता हूँ, बल्कि मैं अगर किसी जगह ट्रेनिंग भी देता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि आंखों को साफ कर लें। जब आप आंखों को साफ करके लेडीज़ को साथ लेकर चलेंगे, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगी, लेकिन जब उन आंखों में गड़बड़ करके चलेंगे ना, तो वहाँ पर वो आपके साथ छोड़ जाएंगी, क्योंकि वो आपके अंदर तो देख रही होती है। मेन चीज ये है कि आप लोगों को इज्जत देना शुरू कर दें, और दूसरे नंबर पे आजिज बन जाएं। आज यकीन करें, जो इस वक्त सिर्फ हम सीनियर की मैं बात करूंगा, किसी जूनियर की बात नहीं, देखिए जितने लोग हमें टाइम दे रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, अगर वो कामयाब नहीं होते, मैं कहता हूँ उन लोगों का 1% भी कसूर नहीं है, जितने उनके लीडर्स हैं कसूर उनके। देखिए जो नहीं आ रहा उसका तो एक कसूर है कि वो आ ही नहीं रहा, लेकिन जो लोग आ भी रेगुलर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, अगर वो कामयाब नहीं होते तो उसके पीछे उनके जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मैं देखिए तालियों बाजियों कर लीजिएगा। देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ एक बंदा अपने घर से टाइम लेके आता है, एक बच्ची, एक लेडीज़ बहन बेटी अगर घर से आती है तो वो बहुत से हो सकता है मुश्किलात से आती होगी, घर वालों की बातें सुन के आती होगी, क्योंकि लोग बाहर नहीं भेजते। लेकिन जब वो 1 साल 6 महीने आपके पास आ रही है, 1 साल 6 महीने में अगर उसको कुछ आना शुरू हो जाएगा, आप यकीन करें उनकी पूरी फैमिली आपकी होगी। लेकिन जब 1, 2 साल 3 साल गुजरने के बाद भी वो वहीं के वहीं खड़े होंगे तो उनकी फैमिली आपको गालियां दे रही होगी। कोशिश करें गालियों से बचें, और कोशिश करें ऐसा मकाम बनाएं कि जो आपकी टीमों में नहीं है वो भी आपके पास आए। मेरे भी बेटे की शादी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 80% डीएक्सएल के लोग वो थे जो मेरी टीमों में नहीं थे, और दूर दराज इलाकों से आए हुए थे। एक चीज आप लोग सोच लें, अब जिस तरीके से मैं अगर चंद टिप्स आपको दे दूंगी तो बाद में हो सकता है आप लोगों को टाइम ना मिले। एक चीज़ ये जहन में रखें कि आप ऑफिस का ना सोचें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम कहते हैं ऑफिस, हो सकता है 10-8 महीने को मैं ऑफिस ना लेके आऊँ। मैं यूएसए के हवाले से लास्ट टाइम मैं देख रहा था, कुछ मेरे लोग यूएसए में हैं, यूएसए में ऑफिस के अंदर जाते ही नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हैं, वहाँ होम मीटिंग्स के अंदर काम हो रहा है। क्या हो रहा है, अब मिसाल के तौर पर शाह साहब यहाँ बैठे हैं, अगर शाह साहब की टीम में बल्दिया के अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो शाह साहब अगर उन 20 लोगों के लिए उनको बोले यार आप 50 बंदों की क्लास अरेंज करो, 50 ब्यूटिशियन की क्लास अरेंज करो, मैं वहीं आ जाता हूँ, अब क्या होगा, उन 20 लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हो सकता है वहाँ 100 बंदे की क्लास अरेंज हो जाए, वो 100 का 100 बंदा एक्टिव हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर जिस इलाके में आप लोग काम कर रहे हैं, आप उस इलाके में अपने लोगों के लिए आसानियाँ सोचें। ठीक है, जब हम दूर दराज गाँव देहातों में जाते हैं ना, वहाँ लोगों के पास हो सकते हैं इतनी मुश्किलात है, उनके पास पैसे भी नहीं होते, वहाँ पे अगर हम उनको बोलेंगे ऑफिस, उनमें से एक बंदा भी नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, अपनी टीम को कहता हूँ भाई आप जितने बंदों का प्रोग्राम अरेंज कर सकते हो कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, मैं किसी भी जगह अगर प्रोग्राम अरेंज करवाया एक दिन के नोटिस पर भी, तो मुझे 50 से 100 लोग ईजीली मिल जाते हैं। लेकिन क्या है कि वो जितनी मेरी बहनें बेटियां बच्चियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनके वालिद हैं, उनके अगर हस्बैंड हैं, तो वो खुद उनको कहते हैं कि रबीन भाई के साथ आप जा सकती हो। मेन चीज़ क्या है कि आप उनकी फैमिली के साथ जुड़ मिल जाएं। और इसी तरीके से जितनी ब्यूटिशन है, आप यकीन करें मैं ब्यूटिशन के हवाले से गया हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम ब्यूटिशन कर सकते हैं अगर आप समझ जाएँ। इसी तरीके से आप इस लोगों की ज़रूरत बनाएं। मैं ये हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि लोगों की अगर ज़रूरत आप डीएक्सएल को बना देंगे ना, तो डीएक्सएल कभी भी कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अगर 1 हफ्ता 10 दिन मेरे यहाँ पे हैं,
तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कोई अच्छी सी ट्रेनिंग रख दें जिसमें प्रैक्टिकल भी हो, बाकी एक अपना पैगाम लेके जाएं यहाँ से कि यहाँ आप जितने भी आए हैं ये एक्टिविटीज़ होने के बाद जितना अच्छा माहौल बन चुका है, अब इस माहौल को अपने अपने घरों में अपने अपने खानदानों में फैलाना शुरू कर दें। और शुक्रिया के साथ पूरी मैनेजमेंट डॉक्टर मुस्तफा साहब और मेरे जितने दूर दराज लोगों से बहन भाई आए हुए हैं, चाहे वो नवाबशाह से आए हुए हैं, चाहे जहाँ से आए हुए हैं, जिन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की और हम सबको सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। सबसे पहले तो जितना टीम का बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात, मैंने DSM के दो तीन और भी ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जिसमें से गेम और ग्रैंड अटेंड किए जिसमें से गेम होते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन मैंने ये पहला इवेंट अटेंड किया, लेकिन मेरी टीम बहुत अच्छी थी, सब ने बहुत ज़बरदस्त खेला, भाई ने तो सईद भाई ने सब ने मतलब जिनके नाम मुझे नहीं पता सब बहुत अच्छा खेला। बाकी इंशाल्लाह वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। और सबसे बड़ी बात, हम लोग हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जीतेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले ही सर ने कह दिया कि थोड़ी बात करनी है, टाइम कम है। सर ने तो बहुत फंड साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी और मुझे बहुत खुशी हुई के असर ने अपने तजुर्बात के हवाले से और जो पाकिस्तान में मीडिया जिसके हवाले से जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से जो उसको शान और मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, वो उसकी अपनी खूबी है। मैं उनको दुआ करता हूँ और उसी ही सिलसिले के हवाले से हम भी कोशिश करेंगे ताकि हम अपने रिलीज पाकिस्तान के रिलीज में जो कमी कुताई हैं या जो DSM के हवाले से इल्म नहीं है वो उधर तक हमारा पैगाम पहुँचा दें। मैं अपने DSM टीम कि मैं जो बैठ हो गया हूँ साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो साथी मेरे साथ जो खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी कोशिश की, हम उसका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत तआवुन किया। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, लेकिन सर ने एक बात कही कि क्या प्रोग्राम में मज़ा आया, बहुत मुश्किल है। तो ये सर जो जिस इवेंट में हम आए हैं, ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत लुत्फानंदोज़ हुए हैं और कुछ काफ़ी चीज़ें हम सीख चुके हैं, लेकिन सर ने जो कहा मज़ा आया, हम कहें ना कहें मज़ा तो बोलेगा, हर बंदा बोलेगा कि मज़ा आया, तो मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छा मज़ा आया। अल्लाह को खुश रखे, DSM को कामयाब करे, दोस्तों को कामयाब करे, जो और टाइम निकाल के आए उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं इस इवेंट में, तो मैं मदद चाहूँ, अल्लाह आपको सलाम करके। बाकी मैं कहूँगा सबको मुखातिब करके कि बहुत से दोस्तों का आज ये पहली बार ये प्रोग्राम है, और जब से ये इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी प्रोमो हो रहे हैं या जो भी इवेंट्स हो रहा है, वो एक से बढ़कर एक होता है। तो इसके लिए CM साहब से लेके पूरी टीम DSM मैनेजमेंट के लिए सब लोग क्लैपिंग करें। दूसरे शहर से आके प्रोग्राम अटेंड करना, सफ़र करना 4-5-6 घंटे का, ये आसान नहीं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी में चूँकि हमारे डॉक्टर साहब पूरे पाकिस्तान में उनका हाईएस्ट रैंक है, तो डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो आके आज की स्पीच को क्लोज करें। आपने आपको